कप्तान ने बता दिया कि पीडीएम हुकूमत का मंसूबा वाज़े हो चुका है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा, लंदन प्लान जो बनाया गया था उसका मकसद हमें कमजोर करना था। उन्होंने हमें अदालतों में उलझाने का टास्क ले रखा है। नवाज शरीफ को यकीन दिला दिया गया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर देंगे। निजी टीवी से बात करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मेरे खिलाफ 145 केसेस दर्ज करा दिए गए हैं। मेरी पार्टी के टॉप लीडर्स के खिलाफ मुकदमा बना दिए गए हैं। पीडीएम हुकूमत के वुजरा लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालकर खौफ फैला रहे हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।